भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान और दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री अब पिता बन गए हैं। सुनील छेत्री की पत्नी सोनम भट्टाचार्य ने 31 अगस्त बेंगलुरु में एक बेटी को जन्म दिया। ऐसे में दोनों के घर अब खुशियों ने दस्तक दे दी है। इस खबर के सामने आते ही सुनील के समर्थकों ने शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया। मालूम हो कि सोनम प्रेगनेंसी के दौरान डेंगू से संक्रमित हो गई थी, इसके चलते वे काफी चिंतित थे। हालांकि बाद में वह डेंगू से उबर गए। पिछले महीने मोहन बगान क्लब में सुनील ने खुद पत्नी की प्रेगनेंसी का ऐलान किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम फिलहाल बेंगलुरु के एक नर्सिंग होम में है। माँ और बच्चे दोनों ही फिलहाल स्वस्थ है। खबरों के मुताबिक सोनम ने बुधवार सुबह करीब 11 बजे अपने बेटे को जन्म दिया। हालांकि सुनील ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में कोई भी जानकारी साझा नहीं की। आप सभी को बता दें कि सुनील ने अपने पहले बच्चे के जन्म के दौरान अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए और उनका ख्याल रखने के लिए राष्ट्रीय टीम से छुट्टी ले ली थी। हालांकि एशिया गेम्स से पहले भारतीय टीम को किंग्स कप में भाग लेना है। कोच ने पहले बता दिया था कि सुनील छेत्री इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। सुनील ने अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए अपनी पत्नी के पास जल्दी जाने की अनुमति मांगी थी। ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन ने पहले ही यह सूचना प्रसारित कर दी थी कि सुनील किंग्स कप में शामिल नहीं रहेंगे। स्टीमेक ने उन्हें शामिल किए बिना ही टीम की घोषणा कर दी है। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान और दिग्गज फुटबॉलर, तो वहीं सोनम भट्टाचार्य भारत के महान फुटबॉलर सुब्रत भट्टाचार्य की बेटी है। ऐसे में इस खबर के सामने आते ही सुनील के समर्थकों ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी।